हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो पहला टॉपिक है वो है एस्ट्रोसैट। तो ये एस्ट्रोसैट देखते हैं क्या है और इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। एस्ट्रोसैट एस्ट्रोसैट सबसे पहले तो क्वेश्चन यही समझना है कि आखिर ये एस्ट्रोसैट क्या है। फर्स्ट चीज तो एस्ट्रोसैट इज ए स्पेस ऑब्जर्वेटरी, यानी ये एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। किसकी है ये? इसरो ने 2015 में इसको बनाया था। पहली बात, एस्ट्रोसैट एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, इसरो द्वारा 2015 में इसे बनाया गया था और ये मल्टी वेवलेंथ प्रयोगशाला है। ठीक है, यानी ये कई प्रकार की वेव्स का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, तो पहली चीज ये क्या है, ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। किसकी है ये? इसरो द्वारा इसको बनाया गया था। कब? 2015 में। यानी स्पेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो एस्ट्रोसैट द्वारा होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन ही बनेगा, एस्ट्रोसैट क्या है? तो ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, 2015 में इसरो द्वारा बनाया गया है और ये मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है। मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एस्ट्रोसैट एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है और इसे इसरो द्वारा बनाया गया है। यानी स्पेस में जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे, प्रयोग होंगे, वो यहाँ से किए जाएंगे। तो एस्ट्रोसैट लिखा हुआ है तो सैट से कन्फ्यूज हो सकता है कि सैटेलाइट है, तो ये ध्यान रखना है, सैटेलाइट नहीं है, ये एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। तो ये तो था एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले, यानी लगभग 7-8-9 मार्च अप्रैल में, कि यूएसए ने ईरान से तेल इंपोर्ट करने के लिए कई कंट्री पे बैन लगाया था। अभी हाल में भारत से और एक लिमिट में चाइना से ये बैन को हटाया है। तो इंडिया, ठीक है, इंडिया अलाउ टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान वाई यूएस, ठीक है। यानी यूएसए ने भारत को ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने की छूट दी है। मार्च 2018 में यूएसए ने 8 कंट्री पर बैन लगाया था कि वो ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि वो 8 कंट्री कौन कौन से थे, यहाँ क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला चाइना, दूसरा इंडिया और ग्रीस, इटली, और ताइवान और जापान, साउथ कोरिया, और टर्की। तो ये कंट्री हैं जिन पर यूएसए ने बैन लगाया था। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, चाइना है कंट्री,
इंडिया, ग्रीस, इटली, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और टर्की, यानी इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्वेश्चन ये बनेगा किन किन कंट्री पर यूएसए ने ईरान से ऑयल लाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए बैन लगाया था। ठीक है, तो पहली बात, दो बातें हैं कि यूएसए ने किस कंट्री के खिलाफ विश्व के 8 देशों पर बैन लगाया था, वो कंट्री था ईरान। अभी हाल में इंडिया को ऑयल खरीदने के लिए इजाज़त दे दी गई है। तीसरी बात, वो कंट्री 8 कौन से हैं, वो कंट्री 8 ये हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा देश शामिल नहीं है। यूएसए जो है वो विश्व में जियोपॉलिटिक्स को लेके काफ़ी एक्टिव रहता है और सुपर पावर है, इसलिए किसी पर भी बैन लगा सकता है। नेक्स्ट है सॉवरेन ब्लू बॉन्ड। सॉवरेन ब्लू बॉन्ड, सॉवरेन ब्लू बॉन्ड क्या होता है? ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जो एज ए करेंसी यूज होते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है एक वादा, एक पत्र। सॉवरेन माने होता है संप्रभु, यानी सशक्त, यानी उनमें राइट है, पावर है। सॉवरेन ब्लू बॉन्ड, देखो सबसे पहली बात है, ब्लू से समझ में आता है कि दैट इज अ रिलेटेड विद ओशनिक या मैरीन इकोनॉमी। तो कौन सा कंट्री है जिसने ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइम, दुनिया में पहली बार है जब इस तरह के बॉन्ड को लॉन्च किया गया है, और वो लॉन्च करने वाला कंट्री कौन है? सेल्सियस। सेल्सियस, सेल्सियस यानी ये जो कंट्री है वो इंडियन ओशियन में है, यानी ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में स्थित सेल्सियस कंट्री ने सॉवरेन ब्लू बॉन्ड जारी किए टू प्रमोट द मैरीन एंड फिशरीज प्रोजेक्ट। किसके लिए? टू प्रमोट मैरीन या सपोर्ट, है ना, मैरीन एंड फिश एंड फिशिंग इन कंट्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सॉवरेन ब्लू बॉन्ड किस देश ने जारी किए हैं? सेल्सियस ने, और ये विश्व में पहले ऐसे बॉन्ड हैं जो ब्लू इकोनॉमी का मतलब है नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था जब भी बात आती है तो हम ओशनिक रीजन को लेते हैं, यानी समुद्री अर्थव्यवस्था को लेते हैं। तो सेल्सियस कंट्री जो इंडियन ओशियन में है, पूछ सकता है कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में है। टू सपोर्ट द मैरीन एंड फिशिंग इन कंट्री, यानी देश में फिशिंग को और मैरीन प्रोडक्ट्स को। मैरीन प्रोडक्ट का मतलब होता है सी फूड, सी प्रोडक्ट, है ना। फिश तो केवल फिश है, फिश के अलावा भी ओशनिक रीजन में कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो केवल ऐसा नहीं फिशिंग, इसलिए यहाँ पे दो वर्ड दिया हुआ है, मैरीन एंड फिशिंग। समंदर में फिशिंग के अलावा भी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो सॉवरेन वर्ल्ड इश्यू बाय द सेल्सियस इन ओशनिक रीजन टू सपोर्ट द मैरीन एंड फिशिंग प्रोजेक्ट इन द कंट्री। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एकना एकना इंस्टीट्यूट स्टेडियम, स्टेडियम हम
स्टेडियम। तो ये जो एकना स्टेडियम है ना, एकना, एकना स्टेडियम, ये कहां पर है? ये लखनऊ में है, ठीक है, ये लखनऊ में है। और इसी का नाम बदल कर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्टेडियम रखा गया है। तो ये कोश पूछ सकता है कि एकना स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो लखनऊ में है। अभी इसका नाम चेंज किया गया है, वो चेंज किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अभी हाल में एक क्रिकेट मैच हुआ था, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया था ये। तो पूछ सकता है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है वो कहाँ पर है और उसका पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम है एकना स्टेडियम। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एकना स्टेडियम लखनऊ यानी यूपी में है। उसके बाद है एक फिनो बैंक, ठीक है, फिनो बैंक क्या है? ये एक पेमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इस पर आरबीआई द्वारा, यानी आरबीआई ने फिनो बैंक पर 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ का एक पेनाल्टी इम्पोज की है, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है फिनो बैंक क्या है? तो फिनो बैंक एक पेमेंट बैंक है और जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आरबीआई द्वारा इस पर 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी डाला गया है, इम्पोज किया गया है, ठीक है। तो यानी फंक्शन ऑफ आरबीआई में ये भी आता है कि आरबीआई किसी भी बैंक को पेनल्टी दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि फिनो बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर, क्वेश्चन ये बनेगा फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो किसी भी बैंक पर, जो इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम के अंडर में जो भी बॉडी आते हैं, उनको उन पे पेनल्टी इम्पोज कर सकता है आरबीआई। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा कि 1 करोड़ कितना था, नहीं, क्वेश्चन फंक्शन ऑफ आरबीआई से बनेगा, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं। थैंक यू।